शिक्षक स्नातक चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने किया क्षेत्र में प्रचार व प्रेस वार्ता। बा शिक्षक स्नातक चुनाव में भ के शिक्षक मतदाता एमएल सी चुनने को अपने वोट का प्रयोग करेंगे। शिक्षक एमएल सी चुनाव में भ ब्लॉक से 137 शिक्षकों की सहभागिता होगी, जो आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएल सी चुनने में मदद करेंगे। शनिवार को आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन एमएलसी के लिए चुनाव लड़ रहे लालजी बाबू श्रीवास्तव ने कस्बे में शिक्षकों के साथ बैठक की तथा प्रेस वार्ता में प्रत्याशी लालजी बाबू श्रीवास्तव ने कहा, मैं शिक्षकों के हित को लेकर चुनाव लड़ रहा हूं, जिसमें शिक्षकों के कल्याण को लेकर मेरे प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं। शिक्षा शिक्षालयों, विद्यार्थियों, प्रधानाचार्य, शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों की दशा दिशा सुधारने हेतु आवश्यक मांगे और हमारा संकल्प पत्र इस प्रकार है। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कराना, पुरानी पेंशन पद्धति लागू कराना, समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्धारित कराना, जिससे व्यवसायिक शिक्षक एवं अन्य प्रकार के शिक्षकों को पूर्ण वेतन सुविधाओं और अन्य भत्ते दिलाना, हाई स्कूल प्रधानाचार्य की वेतन विसंगति दूर कराकर 6,100 का भुगतान कराना, इंटरमीडिएट प्रधानाचार्य को त्रिस्तरीय वेतनमान की व्यवस्था कराना आदि मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा हूं। लालजी बाबू शिक्षा के क्षेत्र में कई पदों पर विराजमान रहे हैं। समाज सेवा को लेकर उनके द्वारा कैंसर पीड़ितों को निशुल्क सहायता प्रदान की जाती है एवं जन कल्याण हेतु निशुल्क कोचिंग सेंटर वित्त विहीन विद्यार्थियों के लिए व गरीब छात्रों के लिए जिनके पिता नहीं है उन बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इसी प्रकार भद्दावर विद्या मंदिर डिग्री कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर आर के श्रीवास्तव के नेतृत्व में लालजी बाबू श्रीवास्तव के समर्थन में भ के अधिकांश विद्यालयों का भ्रमण किया गया। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत बुलंद खबर, नीरज धनगर की रिपोर्ट। बाबूजी, आप शिक्षक एमएलसी पद का चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके? मेरा नाम लालजी बाबू श्रीवास्तव है, एसआरके कॉलेज फिरोजाबाद में स्कूल प्रधानाचार्य हूँ। 42 वर्ष मैंने सेवा की है। एमएलसी शिक्षक पद का चुनाव लड़ने का निर्णय हमने इसलिए किया है कि शिक्षा में जो आमूलचूल परिवर्तन होने चाहिए वो नहीं हुए। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार पर शिक्षा नहीं है इस शिक्षा के लिए। दूसरे, शिक्षकों की जो पुरानी पेंशन समाप्त कर दी गई है उस पुरानी पेंशन को लागू करना है, नई पेंशन स्कीम को समाप्त करना है। तीसरी बात यह है, समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे शिक्षक प्राइवेट कॉलेज में हो, चाहे सरकारी कॉलेज में हो, चाहे एडेड कॉलेज में हो, सभी को समान कार्य के समान वेतन मिलना चाहिए, सभी भत्ते उसी प्रकार मिलना चाहिए। इसको माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात को कह चुका है कि समान कार्य के समान, लेकिन भारत देश में भी कई वेतन मान लागू है। मेरी मानता है कि इसी आधार पर सभी को वेतन दिया जाना चाहिए। आपके नजरिए से क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? शिक्षा की पूरे देश में एक ही प्रणाली होनी चाहिए, एक ही शिक्षा नीति होनी चाहिए। वो देश के किसी कोने में कोई विद्यार्थी कहीं पर पढ़े, उसे एक ही शिक्षा मिलनी चाहिए, इससे देश में राष्ट्रीय एकता कायम हो। एमएलसी बनने के बाद आप शिक्षक कर्मचारियों की दशा सुधारने के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? सबसे पहले तो समान कार्य के लिए समान वेतन दिलवाएंगे, चाहे मुझे स्वयं हड़ताल करनी पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, मैं इसके लिए प्रयास करूंगा समान कार्य समान वेतन मिले। दूसरे, चिकित्सा भत्ता हमारे शिक्षकों नहीं मिलता है जब शिक्षक बहुत बीमार होते हैं, और कल्याण को शिक्षकों बनाए उससे भी सरकार से पैसा लोग नहीं ला पाते हैं। मैं शिक्षा कल्याण को पैसा दिलाऊंगा, अच्छा चिकित्सा भत्ता लागू कराऊंगा जिससे राज्य कर्मचारी मिलता है, उसी प्रकार से मैं शिक्षकों को शिक्षा भत्ता दिलवाऊंगा। धनतेरस और भैया दूज का त्यौहार है जो हमारा बहुत ही पवित्र और उल्लास का त्यौहार है। हम सभी देशवासियों को अपने विशेष महाबैत जो पत्रकार वार्ता हुई उसके सब बधाई देते हैं, उनके धनदान से भरपूर रहें और पटाखों का प्रयोग न करें, अगर चलाना है तो फुलझड़ी बच्चों को चलाएं तो हमारा उल्लास भी हो जाएगा और हम पूरी सुरक्षित बच जाएंगे। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत बुलंद खबर।